दगड़ियो सब लोग मेरा पाना पाना मानो उसका स्वागत है मेरे को नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक होने लगा यहाँ दगड़ियो मले एकदम छः बज के 38 मिनट आज 6:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। धूप पूरी तरीके से खिल चुकी है। आहा सुबह सुबह ना दगड़ियो आजकल काफ़ी ठंड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो मैंने भी आज जैकेट वैकेट पहन लिए और धूप जो है ना आ चुकी है पूरी तरीके से। वाह आज कल तक नीचे कोहरा रहता था वो, आज कोहरा भी नहीं है, पूरा साफ हो चुका है आज। वाह गजब का है दगड़ियो मौसम। नहाते हैं धोते हैं फिर चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा जता रहे हो? अब तक दगड़ियो इसकी चाय बनती है, मैं भर के लाता हूँ पानी नीचे से। मॉर्निंग दगड़ियो, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दगड़ियो सुबह की चाय पी के अब समझ में नहीं आ रहा है सुबह का नाश्ता बनाऊँ या दिन का खाना बनाऊँ। सुबह जो आजकल दगड़ियो दिन छोटे हो गए ना, जैसे ही हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं वैसे ही भात खाने का टाइम हो रहा है। दिन में दगड़ियो जल्दी है जनेबर नॉन दिन नहीं भयंकर। सर्दियों में हम लोग पहले मतलब किया करते हैं जनवरी फरवरी के दो ही टाइम का खाना होता है, एक सीधे लंच फिर सीधे डिनर, नाश्ते का कोई सवाल ही नहीं उठता। आजकल भी अब धीरे धीरे वैसा ही मौसम, कब भयंकर 11 बज जा रहा है पता न चलने यार दगड़ियो। बात बज के 20 मिनट हो गए और नाश्ता वास्ता करके निकल चुका हूँ मैं भी दुकान की तरफ। अब वहीं पे रहेगा दिन भर काम। हमारे वहाँ रामलीला की तालीम भी शुरू हो गई है, आज तक मैं जा नहीं पाया था। सोच रहा हूँ मैं बाद से डेली तालीम अटेंड करूँ। 6 नवंबर से हमारे वहाँ रामलीला होनी है चौंला में हर साल की तरह। इस साल भी रौल भयंकर तगड़ा होगा वहाँ रौला रखा। ये देखो कुत्तों की बहुत, वो सुबह काफ़ी सुनसानी है दगड़ियो मार्केट। चुके हैं दगड़ियो और सारा काम हो चुका है सुबह का दुकान का, और मिसेज जी भी आ चुकी हैं अभी दुकान में। हेलो हेलो, आप धन्यवाद हमारे, आप हमारी दुकान में बता रहे। तो क्या चाहिए आपको? दाल लेने आई हूँ। दाल भाई दाल बना रहे हो आप? और खाएगी दाल? अरे यार दगड़ियो आज दाल खाने को मिलेगी कुछ देर के बाद। केले मेरे वहाँ सस्ते हो चुके हैं दगड़ियो, केले अब जो है ख़राब हो जाएंगे तब तक 40 रुपया दर्जन। आओ और लूट लो मार आज। तो दगड़ियो आजकल धूप कितनी अच्छी लगती है, और 10 बजने वाला है, मैं भी अब घर की तरफ निकलती हूँ थोड़ी देर में। पतिदेव जी थोड़ा साफ सफाई में लगे, मैं भी धूप सेकने आई हूँ यहाँ पे। तो दुकानदारी तो मेरे पति अब करेंगे नहीं, मैं ही करूँगी। और मेरे पतिदेव ने नया काम शुरू कर दिया है। कौन सा? नाली साफ। नाली साफ करने वाला दोस्तों। अभी यहाँ से ना ये पानी का निकास के लिए कोई दूसरा वो नहीं है, यही वाला है, तो यहाँ पानी भर जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। और बाकी दिवाली का दिवाली वाला तो सब हो ही चुका है हमारा फाइनल। पीडब्ल्यूडी का खत्म हो गया। क्या? साल में एक बार नालियाँ खोदी जाती हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला इन नालियों को, कुछ नहीं होता, तब खुद ही अपने हिसाब से हाथ से साफ करनी पड़ती। ये तो वैसे सार वो वाला है ना, सरकारी वाला। हाँ। तो जो पापा लोग हैं ना वो 3 भाई हैं, एक हमारे चाचा वो ऊपर रहते हैं जो हमारी दुकान के ऊपर घर है, और एक हमारे बगल में हो गए। आप सभी लोगों से मैंने उन लोगों का इंट्रोडक्शन तो नहीं कराया ना, कभी उनको वीडियो में नहीं लिया ना आपने। तो आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अपने चाचा लोगों से मिलवाऊंगी, चाची और चाचा, वो ऊपर है उनका घर, यहाँ से जाती हूँ मिलाती हूँ आपसे। तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं चाची के वहाँ, देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज मैं यहाँ तीसरी चौथी बार आ गई हूँ, एक बार मैं पूजा में आई थी तब से आज आ रही हूँ। चाची, ओ चाची, चाची। दोस्तों मैं आज मिलाती हूँ आपसे अपनी चाची दूसरे नंबर की ना, आप सबसे छोटे हुए।
अच्छी पहला पहला ही खाना दूसरे नंबर की ना सबसे पहले चाचा पापा हुए मतलब दूसरे नंबर के चाचा हैं वो अभी भात खा रहे हैं और ये हमारी चाची है। वीडियो में तो आई है वैसे, लेकिन आज मैं वैसे इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। दुकान के ऊपर है इनका घर और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। चाची हमारी बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाली। कहाँ हमारे बहू भी अच्छी है, व्यवहार की बहुत अच्छी है। और चाचा इसमें जॉब करते थे कोऑपरेटिव बैंक ना। चाची का पूरा घर और यहाँ से काफी अच्छा व्यू आता है हमारे गांव का। वो नीचे हमारा घर है, हैं? हाँ, अब वो वहाँ जाएंगे हम धूप सेकने के लिए, वो पहाड़ में। हाँ, आऊंगी। हाँ, तो दोस्तों चाची मतलब काफी वाली है, जो पूजा पाठ भजन कीर्तन। यहाँ के गांव के लोग ज्यादा काम काम के पीछे रहते हैं ना चाची, काम के पीछे और चोरी करने में माहिर है। मतलब गांव में थोड़ा डेवलप नहीं है अभी, ये थोड़ा यहाँ के लोग वो हैं, थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना ये काफ़ी। जैसी आई चाची ने मेरे लिए भात भी लगा दिया, देखो कितनी अच्छी है। और वही मेरी फेवरेट दाल भी बनी आज, भटकी दाल। तो मैं भात हाथ खा के चाची के वहाँ, और चाचा यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? गठेरी साफ कर रहा हूँ। गठेरी साफ कर रहे हैं, इतने हो रखे हैं ना ये? इतना ही है, अभी तो और होंगे। तो दोस्तों जब मुझे पिठा लगाने के लिए आए थे तो सबसे पहले चाचा ही आए थे वहाँ देखने के लिए हल्द्वानी। और यहाँ से धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, व्यू भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ये देखो, ये है चाची लोगों का घर। ये भी आपका है ना सारा? हाँ, सारा इनका ही है। ऊपर को, ऊपर को क्या है चाचा? ऊपर को भी घर है क्या? ओ उधर को घर है, जंगल है। अच्छा, ऊपर को गौशाला, उसके बाद जंगल है। और ये वाला, यहाँ से पूरा व्यू अच्छा आता है वैसे। ये थोड़ा रोड के ऊपर रहते हैं ना। मैं चलती हूँ अब। तो दगड़े नीचे आने तक नाली आली चमका दी आज मेरे पति ने। दगड़े तो 12 बजने वाले हैं, मैं भी पहुँच चुका हूँ घर। बंदरों का आतंक तगड़ा चल रहा है, यहाँ पूरा बॉनर बॉनर आ रहे हैं यार। दगड़े कुछ नहीं रखते हैं आजकल, सारी फसलें बर्बाद कर देते हैं बंदर पहाड़ों में। और आज दगड़े सुबह से लाइट भी नहीं है भयंकर, सत्ते ही उलगी है लाइट। अब फ़ोन की बैटरी भी कमी बची हुई है, दिन में चार्ज करता था, आज उलिए बाँच मर गया। क्यों आप? और वहीं दगड़ियो लंच की तैयारियां चल रही हैं। क्या बन रहा है आज दगड़ियो? दगड़ियो आज दिन भर जो है बिजली का गुल थी हमारे वहाँ से। बिजली आई अभी 5:30 बजे के करीब, अभी बज रहे हैं 6 और शाम का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। हम जा रहे हैं चौनला तक एक चक्कर। रामलीला की तालीम भी शुरू हो गई है दगड़ियो। तालीम में मैं काफ़ी दिनों से शुरू हो गई है, मतलब जा नहीं पाया हूँ। आज पहली बार तालीम लेने जा रहा हूँ, तो गण मेरे पीछे बैठे हैं, लग रहा है अभी सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्यों आए हम लोग। सेट पहुंच चुके हैं हम लोग जो है माँ देवी चौमिन भंडार में, और हमको यहाँ पे जो है कुछ का मिले हैं। क्या खादा मिले? कुछ खाया? देख रहे हो दगड़ियो। और वहीं हयादा भी पधार चुके हैं, हमारे रामलीला के तबला वादक प्रधान जी और होटल मालिक हमारे अग्निबाण जी। क्या क्या है फिर ढाबे में? कर कब तक होती है सेवा? कितने बजे खुलता है ढाबा सुबह? 4:30 बजे। और रात को? रात को रात भर जाने पढ़ने के लिए खाने के लिए ढाबा खुल चुका है, जो कि अब रामलीला शुरू होगी तो उसमें यही रौला रफा होगा। खाने की सुविधा भी है? खाने की भी है, चिकन बनता है रोज। हाँ, रोज डेली चिकन। दगड़ियो सोम हुआ मंगल हुआ बैंक। Oh,
बजे 7:30 होने वाले हैं और लौट आए हम लोग रामलीला तालीम से। अब थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ देर के बाद फिर से तालीम में। जय जय श्री राम। हो तो तगड़े फाइनली घर पहुंच चुका हूं और हाथ में धोना हो गया। अभी खाना नहीं खाया, कुछ देर बाद भोजन वोजन करते हैं और मैं सोच रहा हूँ अब ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं तकरीबन। अब मिलते हैं कल आपको एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय तकरीबन।